दोबारा रिचार्ज हो चुका है क्लबिंग के लिए। सो पार्टी है जो होटल में बताई थी एंड गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठ चुका हूँ एंड सारे रेडी हैं एंड प्लस कल रात को हो गए थे बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे क्लबिंग करी है मैंने ऑलमोस्ट। सो अभी ये सीन है कि खाना वाना खा चुके हैं, सब कुछ सारे के सारे रेडी हैं। कार रेंट करने निकले थे जो कि हमें नहीं मिली, एक गाड़ी पसंद आई थी वो पर बुक हो रखी है क्योंकि सैटरडे संडे अभी। ऑल्सो यहाँ पर चाहिए हमें क्रेडिट कार्ड, वो हमारे पास नहीं है, चक्कर में शायद दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे कैश से काम नहीं चल रहा, क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। अभी देखते हैं, अभी होटल जा रहे हैं वापस, खाना खाने आए हुए थे एंड गाड़ी बुक करवाने आए थे तो कुछ हुआ नहीं, अभी वापस जाते हैं देखते क्या सीन बनता है। बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है, पूल पार्टी चल रही है, बट मेरा भी इतना जाने का मन नहीं है क्योंकि धूप है। सो मैं तो भी होटल में जा रहा हूँ, वापस अपने होटल में जा रहा हूँ रूम में, फिर शायद रात को आएंगे। रात को यहाँ पे इवेंट है बहुत अच्छा एंड ये जो एंड में नहीं है ना, एंड का इवेंट है कोई, इनका ही कुछ इवेंट है और काफ़ी अच्छा इवेंट है। तो अभी रात को देखते क्या सीन है, अभी बाहर जाने का सीन था बट अभी वो है नहीं, पापा वगैरह तो पार्टी में चले गए तो उनका मन नहीं करा बाहर जाने का, बाकी शायद कल जाएंगे, बाकी आज का पूरा दिन पार्टी में जाने वाले पक्की बात। तो अभी जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, अभी बाहर ही जा रहे हैं हम अपना पार्टी रात को करेंगे, अभी धूप है तो पार्टी करने का घूमने का मन है। सो अभी यहाँ पे कार रेंट करी है, सब कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है एंड रेंट करके अभी थोड़े बहुत इबीजा के जो पॉइंट्स है घूमने लायक, वैसे तो सारा पार्टी वाला है पर जो एक दो पॉइंट्स है घूमने लायक तो वो घूम के आएंगे हम। सो गाड़ी दिखाता हूँ चला रखी, ऑब्वियसली आपने देखी भी हुई होगी मैकनोस वाले व्लॉग में या मिकनोस। तो ये रही अपनी आज के लिए कार, कल तक रहेगी हमारे पास 6 बजे तक। सो यस काफ़ी बढ़िया है, अब चलाते हैं घूमते हैं इसमें। तो अभी घूमते घुमाते ऐसे ही हम पार्टी छोड़ के यहाँ पे आ गए थे क्योंकि कार रेंट करी थी। ये इबीजा का ओल्ड टाउन विलेज, मतलब ये कह लो कि अदर साइड ऑफ इबीजा, पार्टीज वगैरह छोड़ के ये सब भी है, थोड़ा वो है घूमने, मतलब टूरिज्म स्पॉट है, हार्बर पॉइंट कहते हैं। एंड ये तो बस ऐसे कि यहाँ पे इबीजा आया है तो कुछ रहना नहीं चाहिए तो इसलिए घूमने आया हुआ है, अदरवाइज़ जितनी भी इबीजा की मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ हैं, जो जितनी अच्छी पार्टीज हैं, जितने भी बड़े ये आर्टिस्ट आते हैं, ये सारे हमारे होटल में ही आते हैं या फिर सामने एक होटल है हाई इबीजा, वो तो क्लब है हाई इबीजा, हमारा होटल है, पर जितने भी सारे के सारे इवेंट्स होते हैं मोस्टली इन्हीं दोनों में होते हैं, छोड़ के साथ यहाँ पे आए हुए हैं तो ऐसे ही देखने के लिए। गए थे वहाँ पे जाने के बाद एंड मैं तो सो गया था, बहुत तेज़ नींद आ रही थी मेरे को, तो दोबारा रिचार्ज हो चुका है क्लबिंग के लिए। सो पार्टी है जो होटल में बताई थी एंड्स इवेंट करके आया कोई, इनका ही स्पेशल इवेंट है कोई, सो अभी वहीं जा रहे हैं बस एंड अपने होटल से काफ़ी बढ़िया सनसेट आ रखा था। सो यस मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। Oh,
तो अभी फ्री हो गए हैं वहाँ से, मतलब काफ़ी दूर हो गई है फ्री हुए अपना। बहुत लिट सीन था आज तो, मज़ा आ गया बिल्कुल। कल डेविड कटर ज़्यादा अच्छा था इससे, बट क्योंकि ये ऐसे कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट था, कुछ ऑलिव करके ऐसे कोई नाम था इसका। एंड अब ये सीन है, अब जा रहे हैं हम ब्लैक कॉफ़ी, अब वो हाई बीजा में है जहाँ पे कल डेविड कट्टा हुआ था। तो अभी बज रहे हैं 2:30 कुछ बज रहे हैं अभी। सो मेरा तो मन नहीं था, मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बट ताने का मन था, सो वो अकेले जा नहीं सकती थी अभी, इसलिए उसके साथ जा रहा हूँ मैं। सो यस, thank you।